तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन सेटिंग है गाइस, वो कर सकते हैं। मतलब ये कि गाइस, आप जिस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहें आप उसकी रख सकते हैं, आप जिसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं रखनी आप उसकी ना भी रखें। तो गाइस, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करूँगा। तो गाइस, उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टेटस बार का, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो गाइस, ये हमारी वो नोटिफिकेशन है जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे हमारा टाइम वगैरह हो गया, बैटरी परसेंटेज हो गई। तो गाइस, यहाँ से आपको 100 नेट बैटरी परसेंटेज ऑफ करनी है, ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क टाइम अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड बोलते हैं उसको। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आइकॉन मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, ये आपके कुछ आइकॉन है, जैसे कि गाइस आपको हेडफोन का आपको आइकन नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। वर्क प्रोफाइल का नहीं चाहिए तो गाइस आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब ये वॉल्यूम का नहीं चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब का नहीं चाहिए, ब्लूटूथ का सिंबल नहीं चाहिए आपको, हॉटस्पॉट नहीं चाहिए तो गाइस इनको आप ऑफ कर दें। कास्ट का नहीं चाहिए तो कास्ट ऑफ कर दें। वॉल्यूम, वाईफाई, ठीक है, ये सब डाटा का जो गाइस आपका ऑप्शन आता है ना, अगर आप वो चाहें तो आप वो भी बंद कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपका खत्म, नेटवर्क फेटवर्क सब गायब हो जाते हैं यहाँ से। तो काफ़ी क्लीन आपकी डिस्प्ले हो जाती है। एयरप्लेन मोड अगर आपको नहीं शो कराना तो आप वो अगर वो एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टी आपको ऑफ करनी है तो वोल्टी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, वाईफाई कॉलिंग डीएक्टिवेट करनी है तो वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसे करके आपकी जो नोटिफिकेशन रहती है वो काफ़ी इनहैंड हो जाती है अपने हिसाब से, जैसे आप इनको यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस, आप चाहें तो यहाँ से जो आपका टाइम देखने को मिलता है इसको आप डोंट शो ऐसे कर देंगे तो गाइस आपका टाइम भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नेटवर्क सेटिंग्स थी जो कि आपको पसंद आएंगी। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिलता है। तो चाहें तो गाइस आपका जो बैटरी है वो आप यहाँ से बैटरी हिडन पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैटरी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, ये हो गई आपकी नॉर्मल सेटिंग्स। तो चलिए गाइस, कुछ सेटिंग्स हम आपको और बता देते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो गाइस, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको गाइस ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पे। तो इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे सामने नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद गाइस, ये हमारी कुछ इस टाइप से नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। सिस्टम यूआई की नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलती है, एंड्रॉइड सिस्टम और स्क्रीनशॉट वगैरह। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। तो गाइस, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो हाइड, साइलेंट ये कर सकते हैं, मतलब कि गाइस आपकी नोटिफिकेशन आए हाइड आए, साइलेंट आए और आपको दिखे भी ना, ठीक है। बट आपको सिंबल मिल जाएगी यहाँ नोटिफिकेशन आ गई। आप चाहें तो डोंट शो एनी नोटिफिकेशन ये कर लेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी जब आपके फ़ोन के अंदर गाइस आप लॉक स्क्रीन पर होगे तो, ठीक है। इसके बाद गाइस, यहाँ से आपके सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐप्स पर करेंगे क्लिक। तो गाइस, मेरे को अगर अमेजोन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं नोटिफिकेशन पर करूँगा क्लिक, इसको कर दूँगा ऑफ। तो अमेजोन की तरफ से मुझे कभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो गाइस, आई होप कि आप नोटिफिकेशन की सेटिंग समझ गए होंगे कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर से कर देंगे। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।